कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं लेके आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि कब से आप लोग कमेंट आ रहे थे। अब इसी में कुछ लोग पता है क्या कहने आ जाएंगे, कहाँ कमेंट किया था, हमने तो ऐसा कोई कमेंट किया ही नहीं था, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। मतलब तो जो लोग नहीं किए हैं उनमें से कुछ लोग मतलब कि ये बात बोलने फटाफट से ही आ जाएंगे, मतलब कि उनको हर चीज़ में ना कुछ नेगेटिव ढूंढना है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये उनका काम है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कमेंट किया गया था वो फुल होल ज्वेलरी जो है मेरी, गोल्ड की ज्वेलरी है, हाँ जी, गोल्ड या डायमंड की जो भी मेरे पास ज्वेलरी है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, उसको शेयर करने के लिए बोला गया था कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखाओ। इसका बहुत सारे कमेंट है, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, जितने भी अभी क्या जितने भी हाल फिलहाल वीडियोस मैंने लाइव किए सब में ही कमेंट आए हैं कि दी, एक ने तो गुस्से में ही मुझे कमेंट किया कि दी आप ये सब चीज तो दिखा दोगे, बता दोगे, लेकिन मैं कब से आपको गोल्ड कलेक्शन दिखाने के लिए बोल रही, तो वो तो अब दिखा नहीं रहे, लहंगा दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। सो फाइनली आपका टाइम आ गया और बहुत सारे लोगों का भी जिन्होंने कमेंट किया। लेकिन हाँ, आज मैं जो दिखाऊंगी, मैं आपको फुल जो ज्वेलरी है वो नहीं दिखाऊंगी। आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है ओनली मेरे जो चेन है और पेंडेंट जो होते हैं वो गोल्ड के और डायमंड के जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गोल्ड डायमंड पेंडेंट है और जो चेन है जो भी है सिर्फ गले का, ये चीज मैं दिखाने वाली हूँ। नेकलेस वगैरह नहीं दिखाने वाली, ओनली चेन शेप में जो भी है मेरे पास वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसका कलेक्शन जो है मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो एक पार्ट करके इसका बना सकती हूँ। और वैसे भी जो हमारी ज्वेलरी होती है वो हमारे पास नहीं होती है, मतलब हम घर में नहीं रखते हैं, इस वजह से हम शेयर नहीं कर पाते हैं आपके साथ। तो अगर हमारे साथ मतलब कि कुछ होता है, कोई ओकेजन होता है, तो हम मंगाते हैं और फिर पहनते हैं और उसके बाद फिर हम रखवा देते हैं, इसलिए हम वो चीज़ शेयर नहीं कर पाते। और आप लोग देखना हमेशा हम इसलिए नहीं पहन पाते हैं, मतलब ओकेजनली पहनते हैं, सो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम अपनी गोल्ड डायमंड जो भी ज्वेलरी आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। बट आज जो मैं शेयर करने वाली क्या है, चेन, यस। तो फर्स्ट जो चेन है मैं अपनी शादी के टाइम से ही दिखाऊं मैं आप लोगों को, या डायमंड दिखाऊं पहले, नहीं पहले जो है मैं आप लोगों को गोल्ड और शादी के टाइम का जो भी है सब कुछ वो दिखाने वाली। फर्स्ट मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को, मंगलसूत्र। इसका जो है ना बहुत से लोगों ने डिजाइन मांगा हुआ है कि दी आप बताओ कि डिजाइन जो है वो हमारे साथ शेयर करो, तो मैं आप लोग बता दूं ये जो है ये डायमंड का है और ये जो है ये गोल्ड है। ये फुल जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे गोल्ड है। यहाँ का मेरा एक जो है पीस यहाँ पे ना एक बॉल सा बना हुआ था, बिल्कुल छोटा सा बॉल सा यहाँ पे लटका सा लटका हुआ था, जो कि मेरा टूट के कहीं गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। कहते हैं सोना चांदी खोना अच्छा नहीं होता, बट अब ये खो गया, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गिरा। एक दो बार और हुआ था लेकिन मुझे मिल गया था, लेकिन ये इसका गिर गया, तो ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। बट ये काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल से ही मेरे गले में, बीच में कुछ टाइम के लिए जब ये ना टूट गया था, यहाँ से कुछ जॉइंट है यहाँ पे कि टूट गया था, इस वजह से मैं नहीं पहन पा रही थी, फिर जॉइंट हो गया, तब से मैं फिर से इसको पहनी हुई हूँ अपने गले में और हमेशा से ही मेरे गले में है ये मंगलसूत्र। मुझे अच्छा लगता है इसको पहनना, तो मैं हमेशा इसको पहनी रहती हूँ, ठीक है। इसके साथ जो मैंने ये इयररिंग्स पहने ना, ये भी मतलब इसका लगता है कि इसके साथ का नहीं है, ये शादी के बाद लिया था, बट ये ऐसा लगता है कि इसके साथ का मैचिंग है, तो मैं हमेशा ये इयररिंग्स और ये हमेशा एनी टाइम मैं यही पहनी रहती हूँ, चाहे मैं घर में सोती हूँ या खाना खाती हूँ या खाना बनाती हूँ या कहीं वैसे बाहर जाना होता है मार्केट वगैरह, तो मैं बस ऐसी में रहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मंगलसूत्र नहीं दिखा रही मैं आप लोगों को, दिखाने वाली हूँ चेन। कहाँ गया वो चेन? हाँ नहीं, हाँ ये है मेरे पास, ये एक चेन है। मैं जो यहाँ से दिखाऊंगी ना उसको इधर साइड में रखती जाऊंगी, तो ये एक चेन है जिसको मैं पास से दिखा दूँ। ये पापा ने दिया था, पापा ने शादी के टाइम पे ये वाला चेन दिया हुआ था। तो मेरे पास ये एक चेन है जो कि बहुत कम पहना है मैंने, रखा हुआ ही रहता है। तो ये मेरे पास एक चेन है गोल्ड का, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके बाद मम्मी से मैंने एक लॉकेट बनवाया हुआ था जो कि काफी मुझे पसंद आया, तो वो लॉकेट भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि जब मैंने शादी से ही स्टार्ट किया तो उसी टाइम से दिखा दूं। ये पहला मंगलसूत्र था जो मेरे गले में पड़ा होता है, इसलिए पहले मैंने इसको दिखाया। ये एक लॉकेट बनवाया था मम्मी ने, ये छोटू सा लॉकेट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही शौक से मैंने बनवाया था कि ये पर्ल जो है ये उस टाइम जो मुझे पसंद था वो नहीं मिला था, ये येल्लो में ऐसे डलवा दिया मम्मी ने कि सुख के लिए होता है, तो ये लॉकेट बनवाया था गोल्ड का। लेकिन मतलब काफ़ी ठोस ऐसा अच्छा सा नहीं होता, छोटा सा और सुंदर सा प्यारा सा ये लटकन सा लटका हुआ,
जो यहाँ पे ऐसे छोटा सा दिखता है, उस शौक से बनवाया था, लेकिन यहाँ पे किसी को पसंद नहीं आया, तो मैं शादी के टाइम पहन के आई थी और उसके बाद से ये खुला कि आज तक ये मेरे गले में नहीं पड़ा है, ऐसी पड़ा हो। कभी कभार मैं सोचती हूँ ना, ये मैं इसको चेंज नहीं करवा सकती क्योंकि ये मेरी मम्मी की, मम्मी का दिया हुआ है, मेमोरी है, तो मैं इसे चेंज नहीं करवा सकती। और ये जो है ना, कभी कभी सोचती हूँ किसी चैन में इसको डाल के पहन लो या जैसे भी, लेकिन फिर ऐसे रह जाता है। फिर सोचती हूँ कि नहीं, इसका जो मोती है वो चेंज करवा लेती, फिर मैं पहनती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लॉकेट। इसके बाद एक ये चेन है जिसको आप देखते हो मैं अभी हाल फिलहाल में पहनी रहती हूँ अपने गले में, इसको अभी मैं पहन भी लूंगी, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये है चेन और इसके साथ ये पेंडेंट जो कि है, हमारे साइड बोलते हैं ज्योतिया, जो लोग बिहार के हैं वो अच्छे समझ जाएंगे। ये ज्योतिया जिसका ब्लॉग भी मैंने बनाया था, अभी पिछले साल बना हुआ था। इसमें दो इसलिए बना हुआ क्योंकि कहते हैं कि एक ज्योतिया नहीं पहनते, इसलिए मैंने, मुझे ये वाला शेप पसंद है, वो जो सर्कल में आता उसमें दो ज्योतिया का शेप बनता, वो मुझे नहीं पसंद, ये वाला शेप ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने इसी में दो बनवा लिया कि एक ऐसे चेन के साथ ये लटका रहेगा, तो ये मैं पहनी रहूंगी। और ये जो चेन है ये मेरे पास है, ये चेन मुझे मेरी शादी के टाइम पे जो मामी जी है ना, चुम्मा मामी, मामी सास, उन्होंने ये चेन मुझे दिया हुआ था। तो ये है मेरे पास एक चेन, ठीक है, ये भी शादी के टाइम का, ये तो मैं पहन लेती हूँ। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मेरे यहाँ पे एक मंगलसूत्र देख लो, ये मेरे पास मंगलसूत्र है लॉन्ग वाला, यहाँ तक जो ये फुल ब्लैक, जो ब्लैक पर्ल है वो है, और पूरा गोल्ड है, और कुछ नहीं इसमें, गोल्ड और ये ब्लैक पर्ल, इसके बीच बीच में जो भी है सारे गोल्ड है। तो ये है मेरे पास एक गोल्ड चैन, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कई बार कि ये दो दो मंगलसूत्र आप क्यों पहन लेते हैं, कि ये भी पहन लेते हैं, कि ये भी, तो मेरे लिए ना ये एक ज्वेलरी है, एक ये ज्वेलरी है बस, मंगलसूत्र कहने को है, मेरे लिए एक ज्वेलरी है, मेरे लिए ओरिजिनल मंगलसूत्र ये है, क्योंकि शादी मेरी इससे हुई थी, मुझे ये पहनाया गया था शादी के टाइम पे, मेरे पति देव जी ने पहनाया था। और नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कौन सा चैन दिखाऊँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट चैन जो है एक ये है मेरे पास, जो कि शादी में का, यहाँ का तीन चैन मेरे पास लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, तीन, लेकिन तीनों तीन जगह के हैं। तो ये मेरे पास एक चैन है, और एक चैन मेरे पास ये है, ये जो चैन है ये पापा ने दिया था बाबू को, उसका जब नामकरण था, आई थिंक नामकरण बर्थडे, हाँ बर्थडे में उसके लिए पेंडल आया था, और ये उसके नामकरण में आया हुआ था उसके नानू के, मामू के तरफ से। तो ये चैन मुझे काफी प्यारा लगता है, ये कहने के लिए बाबू का है ना, है तो ये मेरा, बाबू का नहीं है, मेरा ये चैन, मतलब मैं हमेशा इसे डेली में पहन सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये वाला पहना हुआ है तो इसका नंबर नहीं आया है। तो चैन काफी अच्छा है, मतलब इसकी लेंथ जो है ना, ये बाबू के लिए नहीं, ये मेरे लिए ही लेंथ बना हुआ है इसका जो है, मतलब ये छोटा सा, थोड़ा इतना छोटा रहता ना तब बाबू के गले में सही रहता, बट इसका जो लेंथ है काफी लॉन्ग है, काफी नहीं बट लॉन्ग है। सो बाबू मतलब कि उसको बाहर घूमता है, स्कूल जाता है, जैसे भी, तो हम गोल्ड पहना के ऐसे नहीं भेज सकते, इसलिए उसको नहीं पहनाते हैं ये चैन। सो गाइस ये चैन हो गया। अब मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये पेंडल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ये चैन है कल्याण का, ये अब देखो, ये चैन जो है काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी चैन है ये, आप देखो, मतलब काफ़ी हैवी बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहनने का मन नहीं करता, इतना हैवी है ये चैन, बहुत भारी है ये, वेट बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसके साथ का ही, मतलब ये वो चेन है जो हम नेकलेस, पेंडेंट और इयररिंग्स का जो सेट बनवाते हैं, डायमंड का या जो भी, जिसका भी बनवाते हैं, तो ये मेरे पास जो है ये डायमंड का जो है पेंडेंट और इयररिंग्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल यूनिक पीस बोलते हैं, वो यूनिक पीस है ये, मतलब बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि ऐसे डिजाइन में पेंडेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, मुझे मिल गया था, मैंने ले लिया था, मुझे पसंद आया था, तो ये जो चेन है इसके साथ आया था, इस पेंडेंट के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी कभार वो चेन पहनी रहती हूँ, मोटा सा उसमें पेंडेंट लगा रहता है, वो यही वाला पेंडेंट है। इसका इयररिंग्स भी काफ़ी प्यारा है, ये देखो ये वाला सुंदर है, कॉमेंट जरूर करना कि ये पेंडेंट आपको सुंदर लगा ना, बहुत प्यारा सा। तो ये डायमंड का मेरे पास पेंडेंट है, और इसका जो है सेट इयररिंग्स है, वो मैं आपको दिखा दूँ, इयररिंग्स भी बहुत प्यारी है, ये आप देखो, बहुत प्यारी इयररिंग्स है ना,
मुझे भी काफी पसंद है ये वाली इयररिंग्स, तो मैं इसके साथ सेट ऐसे पहनती हूँ। कहीं साड़ी वगैरह पे भी चलता है, सूट पे भी चलता है, गाउन पे भी चलता है, कुछ भी पहनो उसके साथ ही आपका चल जाएगा। सो मैं इसके साथ ना जब लिया था ये चैन और पेंडेंट, तो ये ऐसे ही इसको सेट बना के दिया था उन लोगों ने कि ये जो चैन है, आप लोगों को चैन देख के तो नहीं लगा ना कि सब एक ही तो कहीं नहीं दिखा रही, तीन तो एक ही जैसा था, उसमें कन्फ्यूजन था, तीनों एक साथ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। सो ये जो हैवी वाला चैन था, ये चैन बहुत हैवी यार पहनने का वो नहीं होता, और ये पेंडेंट इसके मैचिंग का है, इसके साथ आया था ये। और इसके बाद एक और है मेरे पास चैन पेंडेंट के साथ जो कि काफ़ी प्यारा है, ये देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये मेरे पास एक सेट है पेंडेंट और चैन का जिसमें ये ओम बना हुआ है जो कि काफ़ी हैवी वेट है इसका भी, ये काफ़ी अच्छा और प्यारा लुक देता है। और ये दिया था धनु के सब पे मैंने राज कर लिया है, ये दिया था धनु को उनकी चुम्मा मामी ने, और ये चैन तो उनके बाबा दादी ने खरीदा था, बनाया था, ये वो वाला चैन है, तो मैंने इसको इसी के साथ इसमें पेंडेंट ऐसे डाल दिया। और ये एक चैन है मेरे पास और इसके साथ ये पेंडेंट लगा हुआ जो कि उनकी चुम्मा मामी ने दिया था, और इसे मैं ही पहनती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये पेंडेंट के साथ पहनना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा। तो ये मेरे पास है, और आपका जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि जो तीन चैन दिखाया था वो थोड़ा लगभग एक जैसा आप लोगों को दिख रहा था, तो एक तो ये रहा, और गाइस कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका, इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया मेरे चैन, एक तो मैंने पहना हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा। सो ये तीन एक जैसा है, तो शायद आप लोग कंफ्यूजन हो जाए कहीं एक ही तो नहीं दिखा दिया बार बार, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना मतलब कि ये चीज़ ऐसे कर देते हैं। खैर कोई नहीं, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो चीज़ दूर हो जाए, इसके लिए मैंने ये किया। सो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, पेंडेंट जो है वो कौन सा अच्छा लगा, कौन सा सेट आप लोगों को अच्छा लगा ये भी कमेंट करना, और चैन तो चैन ही होता है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को ये मंगलसूत्र बहुत पसंद आता है ना, मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो अब इस ब्लॉग को और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। टॉपिक आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, सो बाय गाइज कॉमेंट ज़रूर करना, बाय बाय, लव यू ऑल, वीडियो देखते रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू।